नमस्कार, मैं फ्यूचर प्लानर जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से नवरात्रि के दिन आप अपने राशि अनुसार माता की सेवा करके, माता के नौ रूप की पूजा करके अपने जीवन के जो भी कष्ट है उसको दूर कर सकते हैं। कईयों के यदि विवाह सही नहीं हो रहे हैं तो कौन सी पूजा करने से, माता की कैसे भक्ति करने से आपके कष्ट दूर होने वाले हैं, इस प्रकार की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। विशेष रूप से आपकी जो भी जन्म राशि होगी, चंद्र राशि अनुसार यह उपाय करने से आपको निश्चिंत लाभ होगा। माता आपके दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए इस नवरात्रि में आपके घर पे आने वाली है, इसके लिए उनकी सेवा जरूर करें और इसका लाभ जरूर उठाएं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी रोचक जानकारियां आप तक पहले पहुंचती रहेंगी। अब हम लोग जानेंगे मेष राशि के लोगों को अपने कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए माता की इस 9 दिन कैसे सेवा करनी है। आपको नवरात्रि के 9 दिन तक दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ रहेगा। मेष राशि के लोगों को दुर्गा चालीसा का पाठ करने से हर मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। अब वृषभ राशि के लोग, वृषभ राशि के लोगों को या जो कन्याएं विवाह हेतु विचार कर रहे हैं और उनके विवाह के कुछ कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं तो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने से, विशेष रूप से माता की सेवा करने से आपको अच्छे पति की कामना है तो वो पूर्ण हो सकती है। मिथुन राशि के लोगों को तारा पाठ करना है। तारा पाठ ये विशेष रूप से आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करेगा, इससे आपको निश्चिंत लाभ होगा। अब जानते हैं कर्क राशि के लोगों को किस प्रकार से माता की सेवा करनी है। कर्क राशि के लोगों को माँ लक्ष्मी का सहस्त्रनामावली का पाठ करना है, जो विशेष रूप से जीवन के आपके जो फाइनेंशियल गेन नहीं हो पा रहे हैं उसमें आपको जरूर सहायता करेंगे। 9 दिन माता का सहस्त्रनामावली पाठ जरूर करें। सिंह राशि के लोगों को सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र की 5 माला रोज जाप करनी है, जिससे निश्चिंत ही आपके जीवन के भी कष्टों से माता रानी आपको जरूर मुक्त करेंगी। अब कन्या राशि के बारे में, कन्या राशि के जो व्यक्ति अपने जीवन में व्यापार में सफलता चाहते हैं वो माँ लक्ष्मी का मंत्र का जाप करना है। ओम एम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का यदि 11 माला जाप दैनिक रूप में माता रानी की सेवा में किया जाए तो आपके आर्थिक पीड़ाएं जरूर दूर होंगी। अब हम जानेंगे कि तुला राशि के लोगों को अपनी पीड़ाओं को मुक्त करने के लिए किस प्रकार से पूजा करनी है। तुला राशि को विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ इन 9 दिनों में करना है, इससे निश्चिंत उनके कष्ट दूर होंगे। अब वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोगों को अपने विजय के प्राप्ति हेतु और कार्य के सिद्धि हेतु 11 माला जाप करना है। यह 11 माला जाप करने से निश्चित रूप से आपके कष्टों से आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। अब जानते हैं धनु राशि के लोग, धनु राशि के ऊपर गुरु का प्रभाव होता है, इसके लिए आपको विशेष रूप से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का 5 माला जाप करना है, उससे निश्चिंत ही आपके कष्ट जरूर दूर होंगे। मकर राशि के लोगों को अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए इन पूरे 9 दिन अच्छे से उपवास करना है। साढ़े साथी का प्रभाव आपके राशि के ऊपर अब बढ़ रहा है, इसके लिए शनि चालीसा के साथ साथ देवी कवच की भी पूजा करना आपको विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ज्यादा लाभदायक रहेगा। अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में, कुंभ राशि के ऊपर भी शनि का प्रभाव होने से आपको माँ भगवती की पूजा करना बहुत ही जरूरी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का यदि दैनिक रूप में आप 5 माला जाप करते हो तो विशेष रूप से माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनेगी और शनि की पीड़ा भी दूर होगी। अब जानते हैं मीन राशि के लोगों के लिए, मीन राशि के लिए विशेष रूप से माँ काली की पूजा करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। माँ काली चालीसा या काली का कवच जो होता है इसका विशेष रूप से आप पठन कर सकते हैं, और यदि आप अपने जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करना चाहते हैं तो बगलामुखी मंत्र का भी आप
आवाहन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बगलामुखी मंत्र बता रहे हैं, यह मंत्र आप देख लीजिएगा। यह मंत्र आपको दैनिक रूप में यदि एक माला भी करते हो तो पूरे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। यह पूरी नवरात्रि, वैसे तो माता जी अपने बच्चों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पे होती है, तो आपका कल्याण आपके हाथ में है। माता की संपूर्ण सेवा करें। और इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो में आपको दैनिक रूप में माता जी के कौन से भोग देने हैं, कौन सा प्रसाद चढ़ाना है, इसकी जानकारी दी है। उसकी आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे निश्चिंत ही आप सबका भला होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो ज़्यादा से लोगों को शेयर करें, अपने परिवारजन को शेयर करें, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता दी। इसी के साथ मैं फ्यूचर गुरु नैनेश जोशी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।